हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, रामानंद सागर के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अरविंद का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुजराती रंगमंच से की थी। उन्होंने अपने करियर में 300 से ज्यादा हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया, मगर जो लोकप्रियता रावण के रोल को निभाने से मिली वो ऐतिहासिक। 34 साल बाद भी रामानंद सागर की रामायण की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई थी। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से देश में जब पहली बार लॉकडाउन लगा तो इस सीरियल का प्रसारण एक बार फिर दूरदर्शन पर शुरू किया गया। लोगों ने रामायण को भरपूर प्यार दिया। टीआरपी के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। भगवान राम के किरदार में अरुण गोविल की मुस्कान और रावण के रूप में अभिनेता अरविंद त्रिवेदी की अट्ठास लोगों को भा गई। अरविंद त्रिवेदी ने तो रावण को जैसे पर्दे पर जिंदा ही कर दिया था। अरविंद त्रिवेदी ने अपने अभिनय से रावण के किरदार को न केवल जिया बल्कि महसूस भी किया। अरविंद की आवाज रावण की आवाज बन गई। धारावाहिक रामायण के बाद जब भी लोगों ने रावण की कल्पना की तब उनके आंखों के सामने अरविंद त्रिवेदी की छवि ही दिखाई दी। और आज हमें बेहद ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रामायण के रावण यानी अरविंद त्रिवेदी अब हमारे बीच। जी हाँ दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल देखिए।